जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बन चुके हैं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल। ऐसे में कैटरीना कैफ की अगर एक्स की बात करें तो एक्स के नाम पर सबसे पहले तो नाम सामने आता है सलमान खान का और फिर नाम सामने आता है रणबीर कपूर का। ऐसे में कैटरीना और विक्की की शादी हो गई है। शादी के दौरान कई सेलिब्रिटीज ने कैटरीना और विक्की कौशल को शादी पर कई महंगे तोहफे दिए, लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ को उनकी शादी पर दिया है सबसे महंगा तोहफा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, कैटरीना कैफ को सबसे महंगा तोहफा मिला है सलमान खान से। आपको बता दें कि सलमान खान ने शादी के मौके पर दी है कैटरीना कैफ को रेंज रोवर की कार तोहफे में, जिसकी कीमत है 3 करोड़। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल ये तोहफा अभी नहीं बल्कि जब सलमान और कैटरीना एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब सलमान खान ने तोहफे में कैटरीना कैफ को रेंज रोवर कार 3 करोड़ रुपए की तोहफे में दी थी और तब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब जब शादी हो चुकी है कैटरीना और विक्की कौशल की, तो अभी तक ना तो सलमान खान ने उनकी शादीशुदा तस्वीरों पर कोई रिएक्शन दिया है और ना ही कैटरीना कैफ को शादी की बधाई दी है। तो यह है पूरी खबर कैटरीना कैफ को लेकर और रेंज रोवर कार को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।